पहले आर्यन खान, फिर अनन्या पांडे, आखिर ड्रग्स केस में बॉलीवुड के और कितने माफिया। नमस्कार, मैं उषष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आर्यन खान की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को हुई थी, यानी अब तक 22 दिन हो चुके हैं आर्यन खान को गिरफ्तार हुए। ड्रग्स केस की शुरुआत एक साल पहले सुशांत सिंह की मौत से शुरू हुई है, जिसमें कई सितारों का नाम अब तक सामने आ चुका है, लेकिन शायद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि ये बॉलीवुड का ड्रग्स माफिया गैंग सिर्फ आर्यन खान तक सीमित नहीं है, पर पूरे गैंग का एक मोहरा है। कल यानी 21 अक्टूबर को एनसीबी ने शाहरुख खान के घर छानबीन करी, और कल ही आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे केस में मिले होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद कल 2 घंटे अनन्या से पूछताछ चली। अनन्या की पूछताछ वहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें आज फिर 11 बजे बुलाया गया, पर वो घर से 1:30 बजे निकली। एनसीबी ने इस बार काफी गंभीरता से ड्रग्स केस की जांच पड़ताल चालू कर दी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिनने इसका विरोध करा और ये भी कहा कि आर्यन खान को हरास किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये लोग खुद ड्रग्स केस का हिस्सा हैं या सच का साथ देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यवाही जारी है। अनन्या को एनसीबी ने समन किया है और 11 बजे तक पेश होना था, लेकिन वो अपने घर से करीब 1:30 बजे निकली। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को आर्यन खान के साथ चैट के आधार पर समन किया गया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस चैट में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या ड्रग्स से जुड़ी बातें कर रही थी। अनन्या पर आरोप है कि वो चैट में ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जब एनसीबी ने उस चैट के बारे में पूछा तो अनन्या ने कहा कि वो मजाक कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि चैट के अलावा भी इन लोगों में ड्रग्स से जुड़ी बातचीत हुई है। एनसीबी की इन्हीं चैट को वेरीफाई करने के लिए पूछताछ जरूरी है। गौरतलब है कि करीब 2 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की थी। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया है। अनन्या के साथ पिता चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर पर छापा मारकर उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए। एनसीबी ने 2 दिन में बांद्रा, सीएसटी, नालसुपारा समेत 5 जगहों पर छापेमारी की। व्हाट्सएप चैट को लेकर गुरुवार को अनन्या पांडे से पूछताछ होनी थी, हालांकि सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को अनन्या से ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। यही वजह है कि एजेंसी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे फिर से अभिनेत्री को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया था। बता दें कि अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं। एनसीबी गुरुवार को एक्टर शाहरुख खान के घर मन्नत भी पहुंची। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं। गुरुवार सुबह शाहरुख खान आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे। वो वहां करीब 15 मिनट रुके। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका था जब शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे। इससे पहले बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आर्यन खान और 8 अन्य को 3 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें क्रूज शिप पर एनसीबी द्वारा छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।